भागवत भगवान कर अहेतुकी करुणार परिणाम स्वरूप संप्रति सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगीर अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ गुरुजन मानकु सभक्ति जय जगन्नाथ। दिव्यात्मन विगत पर्यायर आम माने श्रीमद भागवतमर तृतीय स्कंदर पंचम अध्याय कथा स्वदन करुथिले, जोठी विदुरजी महाराज मैत्र मुनि को भगवान श्रीकृष्णकर कथा श्रवणर महिमा कथा शुणिले किभरी जीवर कल्याण हुए से कथा को सुंदर भाव आस्वादन करुथिले। जो माने हरिविमुख प्राणी समानकर अवस्था कौन हुए कि दुर्गति हुए, हरिविमुख प्राणी जेते से थांती पशुंक संगते। नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर तु दृढ़ मन बाई रे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाई रे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाई रे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाई रे न पड़ी पारी बुझे बे श्रुति डेरी सुण तु श्रद्धा भावे मन बाई रे जड़े बोली गणा देव भवे मन बाई रे जड़े बोली गणा हेबु भवे मन बाई रे बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय। जेते श्रवण कले मध्य जेते आस्वादन कले मध्य सबु दिन जेमती शरीर पाई खाद्यर आवश्यकता रही सेमती आत्मा पाई आध्यात्मिकतार आवश्यकता रही। आत्मज्ञान प्राप्ति पाई आमको सबुदिन सत्संग करिवा दरकार, सद्ग्रंथ अध्ययन करिवा दरकार। आउ जो माने ताहा न करंती ताहा न जानी मूढ़पणे व्यर्थ बाद अनुक्षणे व्यर्थरे सेमानकर जीवन चली जाए। आउ कालर बळे नाश जानती तार आयुष गति स्मृति तार आयुष तार गति तार स्मृति ए कालर बळे विनाश हो जानती। तेणु भगवानकर कथार ये होचि महिमा। आज सुंदर भावरे विदुरजी कहउचंती हे महामुनि मैत्रेय एणु गोविंद कथा जेते आगम निगम उकते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद सकल कथा मध्य सार सर्व कल्याण सुख घर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद उधरी कह विप्रमते ए जीव आत्मा मुख्यार्थे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद पुष्प रसार मधु जेने उधरी मधुकर आणी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की। बड़ा सुंदर कथा मैत्र मुनि की विदुरजी बड़ विनम्रता साकरे प्रार्थना करी कहुचंती कहले महाराज जेमिति मधुमक्खिका नाना पुष्परे बसी मधु संग्रह करी ताहा महु फेणारे साइति रखिथाए आउ सेही महु फेणा अक्लेशरे शिकारी ग्रहण करी नहीं आसे किंतु महु फेणा कौन करिथाए महु कौन करे नाना पुष्परु रस संग्रह करी गोटिया जागारे संग्रहित करिके रखिथाए। जिमिति गोमाता विभिन्न जगार घास टिके पत्र टिके नड़ा टिके कुटा टिके चरी थाए सेना किंतु क्षीर को तार पन्ना भितर साइत रखि थाए अक्लेश
ଗୋପାଳ ଲାଇ ବାଛୁରୀକି ମାଧ୍ୟମ କରି କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟିରେ ଦୁଗ୍ଧ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ମଧୁମକ୍ଷିକା ଯେମିତି ନାନା ପୁଷ୍ପରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଖିଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାପୁରୁଷ, ହେ ଗୁରୁବାର, ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ, ଯାହା ଆଗମରେ ଅଛି ଯାହା ନିଗମ କହିଲେ ବେଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ସୁଖ ଘର ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମସ୍ତ ସୁଖର ଘର ଯେଉଁ କଥା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବା ହେ ସନ୍ଥ ପ୍ରବର, ସେଇ ଅମୃତମୟୀ କଥା ଉଦ୍ଧରି କହ ବିପ୍ର ମୋତେ। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ, ଏ ଜୀବ ଏ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଏତେ କମ୍ ଅଛି ଯେ ଚାରି ବେଦ 1180 ଉପନିଷଦ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂହିତା ୟାକୁ ସବୁ ପାଠ କରି ତାର ନିର୍ଯାସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କ'ଣ ସହଜ ହେବ? କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଉଦ୍ଧରି ମଧୁକର ଆଣେ ପୁଷ୍ପରୁ ସାର ମଧୁ ଜେନେ, ମଧୁ ଯେମିତି ମଧୁକର ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁମକ୍ଷିକା ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ରଖିଥାଏ, ତ ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥା ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ, କୃପା କରି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ସାର, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ମୋତେ ସେ ନିର୍ଯାସ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ମୋର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଚିତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ କରେ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଦିନ ହରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ମୋ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ କରେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ କଥା ମୋତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ମୋ ସନ୍ତୋଷ ଶୀତରେ ତାକୁ ହିଁ ପାନ କରିବି, କାହିଁକିନା ପିଇଦେଲେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ଏମିତି କଥା ପିଇବାରେ ଅଛି କଥାରୂପୀ ଅମୃତ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପିଆଯାଏ, ପିବତଂ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟୁ ମୁହୁରୋହ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ହେ ରସିକମାନେ, ହେ ଭାବୁକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ କର୍ଣ୍ଣପୁଟ ଅଛି। ଏ କର୍ଣ୍ଣପୁଟକୁ ଦନା କରି ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲେ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଦନା ବି ପରସାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଦନାରେ କ୍ଷୀରି ପାଏସ୍ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଚାମଚ ପକାଇ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦନାକୁ ନେଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ କଥାରୂପୀ ଅମୃତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୋ କାନକୁ ମୁଁ ଦନା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ସେ ଅମୃତମୟୀ କଥାକୁ ପାନ କରି ମୋ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମୋ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ମୋତେ, ଆଉ ମୋତେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ କରେ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଦିନ ହରେ, ମୋର ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିଯିବ, ମୋ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ତାଙ୍କରି ଅମୃତମୟ କଥା ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଦୁର୍ଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ମହାମୁନି ମୈତ୍ରେୟ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେ ହରି ଆତ୍ମ ମାୟା ଗୁଣେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଶେଷ ଶରୀର ବିହରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେମନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ହରି ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭୁବୁନି କମୋଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଦେଖନ୍ତୁ
विदुर प्रश्न पचेबा पचारिबारे किड़े कुशली जो विदुरजी महाराज निजी भगवान कर दिव्य दर्शन बा दिव्य सानिध्य लाभ करिचंती जे पांडव मानकर कका थिले भगवान वेदव्यास निजे पुत्र आउ सेई विदुरजी उद्धवंक संगे कथोपकथन होते उद्धवजी किड़े सुंदर भाव में भगवान सुंदर सृष्टि कथा विदुर पाखे उपस्थापन करते तथापि प्रभुंर कथा शुणापी एत व्याकुता जे से पुणी मैत्र मुनि की कहते हे महामुनि मैत्रेय सृष्टि पालन संहारणे जेहरी आत्म माया गुणे महाप्रभु निजे माया को सृष्टि कर निज माया द्वारा ये सृष्टि कर मायारे पालन करुचंती आउ मायारे मध्य संहार करुचंती प्रभु माया कहारे गीतारे भगवान कहिले दैवी सा गुणमयी मम माया दुरंतया मयंजे प्रपद्यंते माया मे तांतरंतिते माया हूँ भगवान के गोटे शक्ति आउ से मायारे सारा सृष्टि वर्तमान मोहित केतबले की प्रकार माया आसे प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहती चाहबारे माया संसार रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई भयालु काल से होई काया कु पुणि नासई भयालु काल से होई काया कु पुणि नासई ता माया प्रभु ता माया बुझि के न पारे रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे से माया धर माया रची खेले रे चाहबारे माया संसार रे बोली श्रीमद भागवत भगवान की सुंदर भाव रे महापुरुष प्रेमाचार्य मधुसूदन बाबा कहुचंती चाहां बारे माया संसार रे माया धर माया रची खेले रे माया धर निजे माया रचना करी खेलुचंती माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई भयालु काल से होई काया को पुणी नासई से केतबले माँ रूपरे केतबले बापा रूपरे केतबले भाई रूपरे माँ बापा भाई होई शिशु रूपे से खेलई भयालु काल से हो काया को पुणी नाशई से भयालु काल होकरी पुणी काया को मध्य नाश करे आउ ताहा माया बुझीबा बड़ कष्ट ताहा महा बुझी के न पारे रे भगवान आत्म माया बल रे निजे निजर माया बल रे कौन कले ना सुंदर सृष्टि के निर्माणती सृष्टि के पालन करती एवं सृष्टि की पुनः संहार करती प्रभु विदुरजी कहुचंती हे महामुनि मैत्रेय सृष्टि पालन संहारणे जेहरी आत्ममाया गुणे अशेष शरीर बिहरे अशेष नमस्ते बहुरूपाय अशेष शरीर धारण करिछंती प्रभु विहार करिया पाई अति मानुष कर्म करे निजे मनुष्यरु उच्च स्तर को जाई महाप्रभु निजे अति मनुष्य रूप से कर्म करुछंती नाना प्रकार शक्ति धरिकी महाप्रभु कौन करुचंती संसार रे तांकर लीला को निष्पादन करिचंती से महाप्रभुंकर जिते कर्म अच्छी जिते गुण अच्छी मत टे कृपा करी तांकरी कथा श्रवण करांते नी कि प्रकार व्याकुलता हृदय भितरे सबू जाणिकिरी तथापि अनभिज्ञ भली प्रश्न पचारुचंती जो प्रभु सृष्टि स्थिति प्रलयर एकमात्र कारण जो नान रूप धरी लीला करुचंती कथा टिके मत श्रवण करांत से परम पावनी कथा को परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रवण करुचंती हे राजा परीक्षित देख विदुर जितेबले ए प्रकार प्रश्न कले कौन मैत्र मुनि कहिले ए मंत विदुर रवाणी
आनंदे मई त्रेय सुणी गोविंद 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 पदुगाड़ुची मकरंद ए जीवन स्तरे जे मन्ते कहंती विदुर ग्रते गोविंद 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 पदुगाड़ुची मकरंद बोली श्रीमद् भागवत भगवान की परमंस चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी परम विष्णु भक्त वैष्णव कुल सम्राट महाराज परीक्षित पवित्र आनंद घाटे शुक्ताल विशाल बटवृक्ष मूल पवित्र गंगा नदी कूल बसी श्रीमद भागवतर अमृत पान कराऊ कहले हे राजा परीक्षित जमीति मैत्र मुनि को विदुर्जी महाराज ये सुंदर प्रश्न गुड़िक पचारे मैत्रेय बड़ प्रसन्न हो गले काहिंकि आमे अनेक थर आस्वादन करीचे जदि श्रोतार उपयुक्त प्रश्नटीए वक्ता को आसे प्रश्नटी उपयुक्त होता दरकार विधेय होता दरकार शास्त्रीय होता दरकार ताले वक्तार मन उल्लसित होता है तार उत्तर देवाई काहिंकि प्रकृतरे वक्ता किए सर्वघटे आत्मगुरु कहती कथा भगवान जदि प्रकृत भक्त देखिबे वक्ता रूपक जंत्र माध्यम रे अमृतमयी कथा को पठाई थांती एठी केही ज्ञानी नुहंती कि केही मूर्ख नुहंती आमे कौन तंग विषय जानीचे जो भगवान को जानिबा पाई ब्रह्मादि देवता माने कोटि कोटि कल्प तपस्या करुचंती जो भगवान के भाव को व्यक्त करिया पाई ब्रह्मा परिणांत शारदा माँ बागवादिनी सरस्वती शेषनाग अनंत भगवान शंकर महेश आगम अनिगम पुराण समस्ते अटकी जाइचंती नेति न इति ताहंक कथा को केबे कही हबो नाही माटी टेलाटीए बा हाथर पापुली रखी दक्षिणहस्त वृद्धांगुले ताकु चूना करदेबा आउ से चूना केते हला ताकु किए गणी देई पारे समुद्र कूळरे केते बाली अछि ताकु किए गणी देई पारे आकाशरे केते तारा अछंती ताकु मध्य किए गणी देई पारे वर्षा केते धारा होउची ताकु मध्य किए गणी देई पारंती समुद्र लहड़ी की अतिक्रम करी पहरी पहरी अपर पर्श को किए जाई पारंती हरि अनंता हरि कथा अनंता श्री राम जय राम जय जय राम कहई सुनाई बहु विधि सब संता जय राम जय जय राम बोल श्यावर रामचंद्र के हरि अनंत हरि कथा अनंत सही सही श्रीमद् भागवत रे बड़ा सुंदर कथा टी अछि महापुरुष जगन्नाथ दास कलम करुचंती कले मूर्तिका खंड चूर्ण करी जे गणी पारे मने धरी गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद से काहू कृष्ण कमहिमा कही पा रिव गुण सीमा गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जी कहुथिबे मु सबुठु बड़ पंडित मते सबु जणा अछि मु सबु जानिछि ये संपूर्ण मिछ किए जानिछि सबु कथा तांको विषय रे जोटी ब्रह्मा जानि पारु नहंती सर्वम रहस्य पुरुष तमस्य देवान जानन्ति कुतः मनुष्य जो महाप्रभुंकर रहस्य को देवता माने जानि पारु नहंती आमे किमादृश्य मनीष साधारण मनीष केमिति बा तांकर अमृतमय कथा को संपूर्ण जानिबा बोली अहंकार करिबा तण पंडित पणे बाद करी हृदय अहंकार भरी से काहू कृष्ण का महिमा कही पारिबो गुणसीमा केही कण भगवान को कथा को कही सारी पारिचे नामे पारिबा तेणु आज
सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित जितेबले मैत्र मुनि की विदुर जी एक प्रकार सुंदर प्रश्न पचारे ए जीव निस्तरे जेमते कहती विदुर अग्रते कौन कले उपाय कौन अच्छी जो उपाय गुड़िक उपस्थापन कले जीवर निस्तार हब जीवर गति हब जीवर मुक्ति हब आज मैत्र मुनि विदुर पाखे से कथा को सुंदर भाव उत्थापन कर विदुर साधु तो वचन जेणे तो रिवे दुखी जन गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद जे कथा हरि परायण विस्तारी पूछु तु कारण गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की प्रकृतरे उपयुक्त प्रश्न टी आसिले वक्तार हृदय उल्लसित हिथाय आज विदुरंकर प्रश्न आस्वादन करी मैत्र मुनि कहले साधु 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 आहा बहुत सुंदर बढ़िया कथा पचारिल हे महाराज विदुर विदुर साधु तो वचन जेणे तरीबे दुखी जन जो माने दुखी लोक हरिविमुख प्राणी जो माने अभक्त जो माने यही महाप्रभुंकर अमृतमय कथा जदि तंक कर्णपुटरे पड़गला ना निश्चिंत से माने उद्धार पाइबे जो माने भगवत विमुख से माने भगवत मुखी हेबे केमिति महाप्रभुंकर कथा टिके तंक कर्णरे पड़िले अभक्त लोक भक्त हेबे केमिति कोनोसी प्रकारे जदि प्रभुंकर कथा टिके तंक कानरे पड़गला निश्चय भगवानकर कृपा हबो कारण ये हूँ प्रभुंक कथार महिमा जे कथा हरि परायण विस्तारी पुछुतु कारण जो भगवानकर अमृतमय कथा हरि परायण तो विस्तारित भाव से अमृतमय कथा को आस्वादन करने को चाहूँ ये साधु वाक्य साधुर कथा ये जगतर कल्याण पाई तोरे जो सुंदर कथा निश्चिंत मुस्थापन करी जगतर कल्याण हबो तेबे मैत्र मुनि विदुरजी की कौन कहते पुणी आगामी अध्याय आस्वादन करवा आज विरती जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम महाबाहु 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 पाही माम महाबाहु 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 पाही माम महाबाहु 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 रक्ष माम महाबाहु 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 रक्ष बोले जगन्नाथ महाप्रभु की।